हाय वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ डांस गुरु, आई मीन डांस गुरु। मैं यहाँ पे आया हूँ डांस सिखाने के लिए। मेरा चेला कहाँ है? उससे ना मैंने सिर्फ फोन पे बात की थी, मैंने उसको अभी तक देखा भी नहीं है। बस डांस सीख जाऊँ फिर 6-6 घंटे नाचूंगा चाहे टांगे निकल जाए मेरी। हेलो एवरीबॉडी, हाय डार्लिंग, उधर हो जाओ कच्चे सड़क के पैसेंजर, उधर हो। लगता है तुमने मुझे नहीं पहचाना। क्यों, तू लाश है? अभी नहर से निकला, तुझे क्यों पहचानो, कौन है तू? मैं तो बता देता मैं करूँ, लेकिन पहले बताओ तुम कौन हो? क्या मैं तेरी जैसी चीज खोल के फिट करता हूँ? अंडर कंस्ट्रक्शन औरत, कहाँ से आई हो, कौन हो तुम? आई मीन आई एम डांस गुरु। मैं हूँ चेला। ओह यार, डांस सीखना है। आप मुझे सिखाएंगी? सिखाएंगे हम, मैं तो डांस सिखा दूंगा, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आप डांस सीखना क्यों चाहते हैं? ताकि मैं अपना जाती कोठा खोल लूं। सुरेंद्र बजाओ ना तबला। हेलो, मुझे कोई नया काम ना सिखा, डांस सिखा। कल को तेरी आदत पड़ गई, कहाँ ढूंढता फिरूंगा तुझे। तेरे जैसे लोग होते हैं जो कहते हैं अच्छा खासा मैं बस पे चढ़ा, अंधेरी जाके उतर गई। तेरे जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो माँ बाप कंफ्यूज होते हैं, लड्डू बांटे जलेबी बांटे। तेरे बाप को तो ना बाकायदा कोड़े पड़ने चाहिए। क्यों? टाइम भी पूरा लिया, क्या किया उसने? आपने भी बहुत इंसल्ट कर दी इन सबके सामने। उनके इलाके का काउंसलर है, तेरी इंसल्ट हो गई। चल डांस सिखा। चलो ठीक है ठीक है। यहाँ से रखा, यहाँ से उठाया 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 उठाया, यहाँ रख दिया। डांस सीखा ना सीखो, गंदे काम सीख के जाऊंगा तुझसे मैं। हो गया। अब यहाँ से दोबारा हम शिफ्ट करेंगे लेग अपनी। ओके। यहाँ से उठाया और हमने यहाँ पे रख दिया। अपनी दुकान वहां लगाओ, चलो। तुम डांस सीख लोगे ना मेरे से तो तुम कोई भी शो में जा सकते हो, कोई भी कॉम्पिटिशन में जा सकते हो। बूगी उगी में जाना है। ओके ओके ओके, तो चलो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। मेरे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है सबसे। अपने ताल्लुकात मुझे ले जाओगे? हाँ। मैं नहीं जा रहा। क्यों? वो पता है, समझेगा मेरे क्या ताल्लुकात है तेरे से। मेरी माँ मुझे माफ कर दे, मैं नहीं सीख रहा। प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए। चलो रंबा सांबा, हा हा, मैं बिजली का खंबा कर लूंगा, मैं रंबा सांबा नहीं सीख रहा। प्लीज प्लीज ऐसा मत जाइए। चलो दफा हो जा यहाँ से, चल तू निकल यहाँ से। अरे गिद्दा कुछ गुरु वीआईपी से एक्टिंग सीखने आए हैं चेले सूरज, लेकिन बस यही अपराध ये हर बार करता है, आदमी है आदमी से प्यार करता है। प्लीज वेलकम वीआईपी एज एक्टिंग गुरु एंड सूरज एज गे चेला। रोहित जी, अर्चना जी, आज के बाद मैं मिमिक्री नहीं करूंगा, इसलिए आज तो करूंगा। इस शो का क्या भरोसा बाबा, 30-40 साल के बाद बंद हो जाए। इसलिए मैंने अपने खुद की एक्टिंग स्कूल खोल लिए। इस स्कूल में लगभग सारे एक्टर स्टूडेंट को एक्टिंग सिखाते हैं। एक्टर तो मेरे पास है, बस कोई स्टूडेंट आ जाए। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। गे, 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 गे। मैंने सुना है यहाँ पे कोई एक्टिंग गुरु जिन्हें किसी स्टूडेंट की तलाश है। बिल्कुल सही सुना है तूने। ये बता तू एक्टिंग क्यों सीखना चाहता मेरे भाई? सर बचपन से मेरा एक ख्वाब था कि मैं एक फिल्म में हीरो लॉन्च हूँ। अरे मैंने तो फिल्म का नाम भी सोच रखा है, गे वफा सनम। सर हीरो बनने के लिए जो गुण चाहिए ना, उसके लिए मैं पूरी ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ। सलमान जैसी बॉडी बनाने के लिए मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पास में है ना अर्चना हेल्थ क्लब, ऊपर डांस भी सिखाते हैं। किसके ऊपर डांस सीख रहा है तू? नहीं मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे बाबा।
फिर तो तेरे टीचर को डर लगता होगा कब तू उसके साथ गलत स्टेप ना उठा ले। नहीं नहीं, हमारे टीचर बहुत ही अच्छे हैं। कल तो उन्होंने क्या किया, डांस भी सिखाया। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं इतना सब कुछ सीख रहा हूँ तो क्यों ना लगे हाथ में एक्टिंग भी सीख लूँ, शायद किसी फिल्म में काम आ जाए। आप सिखाएंगे ना सर? एक्टिंग तो मैं सिखा दूंगा। ये देख, ये है एल्बम, इसमें सारे एक्टरों के फोटो है, एक एक करके मैं उठाऊंगा, जिस एक्टर की फोटो आएगी उसकी तुझे एक्टिंग सिखाऊंगा। ओके हे भगवान, पहली फोटो कहीं हरमन की ना हो, मेरा तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अरे अरे, ये वही है, ये वही ना जिसको जिनको सनी ने अपना पापा रखा हुआ है। अबे ये कोई स्कूटर है जो रखा हुआ है? अबे ये सनी के पापा ही है। अपने जमाने में हैंडसम हीरो थे ये। और इनका बेटा अपने जमाने का हैंड पंप हीरो है। हैंड पंप छोड़ और उंगली कर, ऐसे उंगली कर और डायलॉग बोल। ओके कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ओके डॉगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हाँ शैलियू, मैं अगला खुलता हूँ। ओके ओके, हे वानन हिलता बहुत है। हाँ, ये हिलते ही हैं या फिर एक्टिंग भी करते हैं? एक्टिंग की बात मत कर तू। सॉरी, एक अकेला एक्टर है जो एक ही सेट पे दो दो फिल्में करता रहता है। वो कैसे कैसे करता है सर? ऐसे, माँ माँ तुम कहाँ हो? राम जादे क्यों? माँ मधु कहाँ है? राम खोर क्यों? अब डायलॉग बोल। बोली बोली। नफरत करने वाले किसी ने मैं प्यार भर दूँ, वो मैं वो परवाना जो पत्थर को मोम कर दूँ। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। अबे प्यार भर रहा है या साइकिल में हवा भर रहा है तू? ऐसा करेगा तो सब लोग अपनी साइकिल लाएंगे, हवा भरवाएंगे, निकल लेंगे और तेरा पंप भी ले जाएंगे। हाँ करता है यार ये बंदा, बंदा अकेले पता नहीं है। कृष्णा, ये तो बहुत ही नेचुरल एक्टर है, जो कुछ भी करता है ना बहुत नेचुरली करता है। ताकि ओ ताकि ओ ताकि 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 अबे ताकि की माँ की। तू निकल ले, तूने मेरे दिमाग के चार टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा फेंक के मारूंगा याददाश्त चली जाएगी, निकल ले। तो हीरो बनना है सर? कैसे हीरो बन सकता नहीं है तू? तो हीरोइन बना दो सर, हीरोइन की टिकट दे दो। एक शर्त पे। क्या? मैं तुझे खाली एक ही हीरोइन की एक्टिंग सिखाऊंगा। हाँ। जिसके अंदर सारी हीरोइन के गुण होंगे। ओके ओके सर, कौन है वो लकी हीरोइन जिसकी एक्टिंग मैं सीखूंगा? वो लकी हीरोइन है राखी। राखी सर, इसकी एक्टिंग आती है मुझे। ओ कहाँ है मीडियाज, ओ जीजस, यहाँ की किस मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए रखी थी। राखी सावंत नहीं, मैं बात कर रहा हूँ राखी गुलजार। ओ ये न्याय नहीं अन्याय है। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। वाओ सर, करण अर्जुन यानी कि शाहरुख और सलमान ना? करेक्ट। ओके, शाहरुख का तो पता था लेकिन सलमान भी आएंगे। अब मैं समझा वो क्यों कहते थे आओ हमारे साथ खेलो 10 का दम। सर मुझे भी उनके साथ 10 कदम खेलना है। आपकी तो बहुत पहुंच होगी सर, मिलाइए ना सलमान से। सर सलमान से मिला। दूर हट। क्यों? इससे पहले हम सब लोग के साथ 10 कदम खेले, 10 नंबर दे दो।